विकास थी खुली पोल, रोशन करने खेला जान पर, जगमगा उठा गांव। मौसम की खराबी, आंधी तूफान और भारी बारिश के कारण सड़क के बह जाने, पुलों के टूट जाने की खबरों के बीच प्रशासन की विफलता की चर्चा आमतौर पर होने लगती है। ऐसे में तस्वीरें वायरल होने लगती हैं जिसमें किसी बीमार या गर्भवती महिला को अस्पताल लाने के लिए कठिन जुगत लगानी पड़ती है। पर कई बार प्रशासन के लोगों की जीवटता भी आजमन का प्रशासन पर जो भरोसा है उसे न केवल बनाए रखती है बल्कि कहीं अधिक मजबूत भी करती है। ये तस्वीरें और वीडियो बहुत कुछ अपने आप बयां कर रही। जानकारी मिली कि 25 अगस्त 2023 को कोटरी नदी में डोंगी में सवार लोगों के बीच लगभग 350 किलो का यह ट्रांसफार्मर भी है। लगभग 20 से 30 घरों वाले गांव बांगो घोड़िया में खराब ट्रांसफार्मर को बदला जाना है। CSPDCL के अधिकारी और उनके लाइन स्टाफ के लोग और कुछ स्थानीय ग्रामीण भी डोंगी में सवार है। नदी नाले के उफान में होने के कारण गांव का सड़क संपर्क सभी तरह से टूट गया था। ऐसे में गांव में नया ट्रांसफार्मर पहुंचाने के लिए बीच में पड़ने वाले कोटरी नदी को पार करना ही एकमात्र रास्ता था। नदी पार कराने के लिए वहां कोई बड़े जेटी का नहीं बल्कि स्थानीय लोगों का सहारा डोंगी छोटी नाव था। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से डोंगी में लाए गए इस ट्रांसफार्मर को ट्रैक्टर में भरकर गांव में ले जाया गया। उसके बाद बिजली कंपनी के लोगों ने उस नए ट्रांसफार्मर को बिना समय गंवाए बदल कर गांव की बिजली आपूर्ति बहाल। विद्युत कंपनी के कर्मचारियों की इस जीवटता को ग्रामीणों ने भी सराहा और ठीक भी है, अच्छे कार्य की सराहना तो होनी ही चाहिए।